आज हम लोग बात करेंगे टॉप फोर फ्री थीम्स के बारे में जो आप लोग वर्डप्रेस में यूज़ कर सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और अगर आप लोग वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग करते हैं या स्टार्ट करने वाले हैं या अगर आप लोग कोई फ्री में थीम ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए चार अच्छे ऑप्शन हैं जिसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्री थीम। तो मैंने यहाँ पे कुछ थीम्स को टेस्ट किया है, इसमें से मैंने बेस्ट फोर थीम्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। आज हम लोग उसी फोर थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे थीम है वो है शॉप आइल। शॉप आइल एक वर्डप्रेस की फ्री थीम है। ये थीम आइल की तरफ से आती है। ये ई कॉमर्स के लिए काफ़ी अच्छी थीम है। इसकी यहाँ पे डिज़ाइन इन्होंने काफ़ी अच्छी करी है। इट लुक्स प्रीमियम, इट लुक्स गुड। इसकी लोडिंग स्पीड अच्छी है, गुड लोडिंग स्पीड फॉर एन ई कॉमर्स थीम। ये थीम मैंने अपने सर्वर पे भी डाली थी। तो यहाँ पे आप लोग कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्स, इसका जो पहला कॉन मुझे लगा है वो लगा है इसके सपोर्ट में। ये फ्री थीम है माना, लेकिन इसका सपोर्ट आप लोगों को उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को इन्फिनिट स्क्रोलिंग देखने को नहीं मिलती है। और एक और इसका जो मेजर कॉन लगा है वो यहाँ पे आप लोगों को टेम्पलेट्स नहीं देखने को मिलती है। तो आप लोगों को एक खुद को बनाना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन रीड करके। सो दिस थीम इज आइडियल फॉर ई कॉमर्स स्टोर। अगर आप लोगों को वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आप लोग इस फ्री थीम का यूज कर सकते हैं। इसकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी है और इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन एट प्रेजेंट 40,000 प्लस हैं। हमारे पास जो अगली थीम है वो है नेवे। नेवे भी थीम आइल की तरफ से आती है और ये थीम अभी रिसेंटली आई थिंक एक साल पहले ही लॉन्च हुई है। तो काफ़ी अच्छी थीम लगी है मुझे एंड इट इज़ वन ऑफ दोज फ्री थीम्स जो काफ़ी सारा वैल्यू प्रोवाइड कर देती है आप लोगों को फ्री थीम में। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोज, इसका जो मुझे सबसे पहला प्रो लगा है वो लगा है इसके कस्टमाइजेशन पे। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। एक फ्री थीम में इतना कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मैंने अभी तक ज़्यादा थीम्स में नहीं देखा है। तो यहाँ पे काफ़ी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं हेडर को कस्टमाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा लोगो है, यहाँ पे मेरा मेन्यू है। अगर मुझे यहाँ पे सर्च बार डालना है तो मैं उसको भी यहाँ पे इजीली डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग किया, यहाँ पे मैं अपना सर्च आइकन ले आया तो ये मेरा पूरा कस्टमाइज हो गया। तो इस टाइप से आप लोगों को वेबसाइट में हर जगह पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगला इसका एडवांटेज है यहाँ पे प्री बिल्ड टेम्पलेट्स आप लोगों को काफ़ी सारी मिल सकती है। तो जितनी भी टेम्पलेट्स हैं मैं सिर्फ इसे इम्पोर्ट करूँगा और ये मेरी वेबसाइट में आ जाएंगे एंड मैं इसके ऊपर एडिट कर सकता हूँ। जैसे डॉक्टर्स की टेम्पलेट है तो मैं इसे बिना कुछ किए बस मुझे इम्पोर्ट करना है एंड अपना डेटा चेंज करना है और मेरी हॉस्पिटल की वेबसाइट यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी फ्री टेम्पलेट्स हैं। वीडियो ब्लॉग की टेम्पलेट है, फोटोग्राफी, विंटेज, लॉयर्स, फ्रीलांसर, शॉप। इट्स कंपैटिबल विद पेज बिल्डर्स जैसे एलिमेंटर हो गए, बीवर बिल्डर हो गए। लाइट वेट है काफ़ी, एएमपी का यहाँ पे इनबिल्ट आप लोगों को सपोर्ट मिल जाता है। इजी टू यूज़ भी मैं ऐसे कहूँगा, काफ़ी ईजी टू यूज़ है बिगनर के लिए और इसमें काफ़ी मिनिमलिस्टिक अप्रोच का यूज़ किया गया है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड थीम, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं। जो मुझे इसका सबसे पहला कॉन लगा है वो लगा है इसका सपोर्ट। अगेन ये थीम आइल की तरफ से आती है तो इसमें जो सपोर्ट है वो थीम आइल ही प्रोवाइड करते हैं। सो दिस थीम इज आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अगर आप लोग कोई पेज बिल्डर का यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर तो ये वाली थीम को यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को ब्लॉगिंग करनी है तो भी वाली थीम को यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को एक स्टाइलिश और फास्ट वेबसाइट चाहिए तो भी आप लोग ये वाली थीम का यूज़ कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फास्ट, आपकी वेबसाइट की स्पीड सिर्फ थीम पे डिपेंडेंट नहीं होती, अच्छी होस्टिंग पे भी डिपेंडेंट होती है। सो दैट्स वेयर अवर टुडेज वीडियो स्पॉन्सर्स कम इन टू प्ले, होस्टिंगर। होस्टिंगर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड अफोर्डेबल वेब सर्विस आउट देयर। ये आप लोगों को वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। मीन्स अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज करेंगे तो आप लोगों को काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी होस्टिंगर पर। यहाँ पे आप लोग शेयर्ड होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग दोनों ले सकते हैं। पेज बिल्डर का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। इनका कस्टमर सपोर्ट जो है वो काफी अच्छा है, 24/7 यहाँ पे आपको लाइव चैट सपोर्ट मिल जाता है। मैं खुद यूज कर रहा हूं एंड आई एम इंप्रेस्ड बाय देयर कस्टमर सपोर्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द प्राइसिंग, यहां पे प्राइसिंग स्टार्ट हो जाते हैं 54 rupees पर मंथ के अराउंड एंड मेरे पास आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेशल 15% का डिस्काउंट कूपन कोड भी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे जाएं, वहां पे होस्टिंग को परचेज करें एंड देन एंटर करें कूपन कोड कृपेश, इससे आपको एक्स्ट्रा 15% का ऑफ मिल जाएगा। सो यहां पे हमारी थर्ड थीम थी नेवे, जिसके एक्टिव इंस्टॉलेशन थे 50,000 प्लस, इसकी रेटिंग्स भी काफी अच्छी है और एट प्रेजेंट इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्री वर्डप्रेस थीम्स। हमारे जो सेकंड नंबर पे थीम है वो है कलर मैग। नाउ अगर आप लोग कोई एक ऐसी थीम ढूंढ रहे हैं जो आप लोगों को ब्लॉगिंग पर्पस ले चाहिए तो मैं कलर मैग का रिकमेंडेशन दूंगा। कलर मैग काफ़ी सिंपल थीम है, काफ़ी इजी टू यूज़ थीम है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्लॉटवेयर नहीं देखने को मिलता है। तो काफ़ी बेसिक फंक्शनैलिटी है जो भी आप लोगों को ब्लॉगिंग में ज़रूरी है सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आप लोग कलर मैग थीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर मैं प्रोस की बात करूँ तो इट्स गुड फॉर ब्लॉगिंग। यहाँ पे आपको ब्लॉटवेयर ज़्यादा नहीं मिलता है, ईजी टू यूज़ इंटरफेस है, बेसिक फीचर्स है, इट इज़ फास्ट एंड इट इज़ लव्ड बाय एवरीवन।
अगर मैं इसके इंस्टॉलेशन की बात करूं तो एट प्रेजेंट इसके 1,00,000 के ऊपर प्लस इंस्टॉलेशन है। जैसे ये एक कलर मैग की थीम है, सिर्फ मुझे यहाँ पे टेम्पलेट को इंपोर्ट करना रहता है, यहाँ पे मुझे टेम्पलेट भी मिलती है, तो सिर्फ मुझे टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है एंड ये वाली मेरी वेबसाइट तैयार हो गई। मैं इसको फैशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं कोई नेचर या फिर प्लांटिंग या फिर गार्डनिंग के ऊपर कोई मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो इस थीम का मैं यूज़ कर सकता हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्स, यहाँ पे जो मुझे इसका सबसे पहला कॉन लगा है कि ये लोग फ्री वर्जन में काफ़ी लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लाइक यू विल फील इट कि आप लोग फ्री वर्जन में हो, ठीक है, काफ़ी चीज़ें लिमिट करके रखते हैं अपने प्रो वर्जन के लिए, तो ये एक मुझे इसका कॉन लगा है। इसमें अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो अगर आप लोग फ्री वर्जन पे तो आपको फोरम्स के थ्रू सपोर्ट मिलेगा, जहाँ से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 5 दिन लग सकते हैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो दिस थीम इज आइडियल फॉर ब्लॉगिंग, अगर आप लोग कोई मैगजीन टाइप ब्लॉग खोलना चाह रहे हैं या एफिलिएट ब्लॉग्स भी इनफैक्ट खोलना चाह रहे हैं तो आप लोग इस फ्री थीम का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप लोग 1-2 साल बाद प्लान कर रहे हैं इसको पेड में प्रो वर्जन लेने का तो ये वाली थीम आप लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी ही ज़्यादा फीचर्स उसमें देखने को मिलेंगे और इसके सारे कॉन्स भी चले जाएंगे इसके पेड वर्जन में। इसका पेड वर्जन अप्रॉक्स $69 का है। सो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर फ्री थीम है वो है OceanWP। OceanWP की अभी एक्टिव इंस्टॉलेशन है 4,00,000+, ये लास्ट अपडेटेड अगस्त में ही हुई थी, मीन से काफ़ी अपडेट भी होती रहती है ये। सो अगर मैं OceanWP के एडवांटेजेस की बात करूँ तो जो इसका पहला एडवांटेज है वो इसका लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट है, ये इंटीग्रेट हो जाती है इजीली। आप लोग इसको WooCommerce के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप लोग इसको पेज बिल्डर्स के साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। जो इसका इंटरफेस है यूज़ करना वो काफ़ी ईजी टू यूज़ है। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे टेम्पलेट के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे इतने सारे आप लोगों को यहाँ पे फ्री में टेम्पलेट ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर मुझे बिजनेस करना है तो ये वाली टेम्पलेट्स है, ब्लॉग के लिए ये वाली टेम्पलेट्स हैं। और इसका जो एक मेजर एडवांटेज और भी है वो है इसकी कम्युनिटी। बहुत सारे लोग OceanWP का यूज़ करते हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, ब्लॉग्स पे भरे पड़े हैं। सो अगर आप लोगों को इस पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन ऑफ दिस थीम, इसका जो मुझे एक बड़ा सा अभी कॉन लग रहा है वो एक तो ये है कि धीरे धीरे काफ़ी स्पैमी होती जा रही है। मीन्स दे आर पुशिंग टूवर्ड्स पेड थीम, वो चाह रहे हैं कि आप लोग इसमें ऑप्ट इन करें, ठीक है, ईमेल अपना शेयर करें एंड दे आर अपसेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस थीम रिसेंटली। और जो इसका सेकेंड मेजर मुझे कौन लगा है वो भी रिसेंटली है कि इन्होंने अपने एड ऑन्स के प्राइजेस काफ़ी इंक्रीज कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे पहले लोग ओशन स्टिकी हेडर था वो लोग उससे पहले यहाँ पे सेल कर रहे थे $10 में, अब उसकी उन्होंने प्राइस कर दी है $30 की। सो दिस थीम इज आइडियल फॉर ब्लॉगिंग ई कॉमर्स, एक ऑल इन वन थीम है। यहाँ पे आप लोग ब्लॉगिंग ई कॉमर्स जो भी करना चाहें इस थीम के थ्रू इजीली कर सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ तक रुके हैं तो मैं आप लोगों को 2 और अच्छे ऑप्शन दे देता हूँ। जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है वो है हीस्टा का, ये काफ़ी स्टाइलिश थीम है। यहाँ पे आप लोगों को ऑल इन वन पेज वाली टेम्पलेट्स देखने को मिल जाती है एंड इट इज़ वेरी ट्रस्टेड ऑल्सो, काफ़ी पुरानी है तो इट हैज़ दैट ट्रस्ट। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को लिमिटेड टेम्पलेट्स ही देखने को मिलती है, ज़्यादा टेम्पलेट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली। सो ये आइडियल है ऑल इन वन पेजेस वेबसाइट के और स्मॉल बिजनेस लिए। अगला जो बोनस ऑप्शन है वो है जनरेट प्रेस, ये एक ऐसी थीम है जो मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को फ्री वर्जन भी मिल जाता है लेकिन फ्री वर्जन से इसमें ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को प्रो वर्जन में रहेगा। सो अगर आप लोग कोई एक ऐसी थीम ढूंढ रहे हैं जिसको आप लोग फ्री में लेकर के बहुत ही जल्दी प्रो में कन्वर्ट करेंगे, या आप लोगों का बजट कम है और आप लोगों को उसमें कोई एक अच्छी थीम चाहिए, तो मैं जनरेट प्रेस आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। जनरेट प्रेस इज वेरी गुड, इसका आप लोगों को सब्सक्रिप्शन अराउंड $50 पर ईयर का मिलता है और यहाँ पे आप लोग जितनी भी वेबसाइट्स अनलिमिटेड वेबसाइट्स यहाँ से आप लोग बना सकते हैं। सो ये जो थीम है ये काफी लाइट वेट है, स्पीड इसमें आप लोगों को काफी फिनोमिनल स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप लोगों को जो सपोर्ट है काफी अच्छा है, यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, पेज बिल्डर से आप लोग यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, प्राइसिंग भी काफी अफोर्डेबल है। तो अगर आप लोग कोई फ्री और पेड थीम के बीच में कुछ ढूंढ रहे हैं तो दिस इज द थीम दैट यू शुड गो फॉर। सो डू लेट मी नो कि आप लोग कौन सी थीम अच्छी लगी है, आप लोग कौन सी अभी थीम यूज कर रहे हैं, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है उस थीम के साथ। डू लेट मी नो, आई वुड लव टू हियर अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।